इंदौर में जनशक्ति गृह निर्माण संस्था के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एडवोकेट भनोज कुमार द्विवेदी ने मीडिया के सामने आकर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों को प्लॉट उप पट्टे पर दिए गए थे, अब उनसे प्लॉट सरेंडर करवाकर अन्य लोगों को बेचे जा रहे हैं। बता दें कि इंदौर कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर जनशक्ति गृह निर्माण संस्था का निर्माण किया है, जिसके अनियमितताओं की तमाम शिकायतें अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी लगातार करते रहे। अधिकारियों की मिली भगत से और विभिन्न विभागों की मिली भगत से और सारे विभाग के अधिकारी जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, लोकायुक्त में धारा 17A में परिवर्तन हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि पहले आपको लोकायुक्त में शिकायत करने के पहले विभिन्न विभागों में शिकायत करना पड़ेगा। हम विभिन्न विभागों में शिकायत कर चुके हैं, किसी भी विभाग ने उसका उत्तर हमें न तो हमारी शिकायत को खारिज किया है न इन्हें क्लीन चिट दिया है। इससे साबित हो जाता है कि आरोप तथ्यों पर आधारित हैं, प्रमाण कागजों पर लिखे हुए हैं, इसीलिए लड़ाई लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक।